हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका चैनल फ्रेश फंडा में। हम आपके लिए हमेशा लेकर आते हैं नए आइडिया से रिलेटेड वीडियो। चलिए आज हम लोग बात करेंगे दोहरी इनकम यानी दोहरी कमाई के बारे में। दुनिया में सभी लोग कुछ ना कुछ काम करके अपनी कमाई कर रहे हैं। कोई नौकरी कर रहे हैं तो कोई बिजनेस कर रहे हैं और कोई मजदूरी कर रहे हैं। जो भी लोग काम कर रहे हैं वह एक वक्त अपने दिए गए भौतिक सर्विस के बदले यानी अपने दिए गए वक्त के मुताबिक उसका मुआवजा पाते हैं, यानी गिव सर्विस एंड टेक मनी के प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है दोहरी कमाई यानी डबल इनकम। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? जब हमारे पास दिन के सिर्फ 8 घंटे काम करने के लिए हैं और वो मैं कंपनियों में या अपना काम करके उसके बदले में पैसा कमाता हूँ, तो दोहरी कमाई कैसे पॉसिबल है? दोस्तों पॉसिबल है वो ऐसे कि जब आपके पास एक वर्किंग प्लस एक नॉन वर्किंग इनकम जुड़ जाए तो आपकी इनकम दोहरी इनकम हो जाएगी कि नहीं? अगर आप हमारे इस आइडिया से सहमत हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं हाँ या ना। तो आइए अब हम आपको बताते हैं एक ऐसा प्लान जो आपको दोनों तरह के इनकम देते हैं, यानी वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग इनकम, और वो प्लान है पर्लवाइन इंटरनेशनल प्लान। आइए अब हम बात करें वर्किंग इनकम के बारे में। तो वर्किंग इनकम पहला, जो आपका नौकरी बिजनेस या डेली मजदूरी है, ये आपका पहला वर्किंग इनकम है। दूसरा है जो कि हमें पर्लवाइन देगा, वो फास्ट ट्रैक इनकम बाय पर्लवाइन, ये डायरेक्ट रेफरल से जो इनकम आती है वो पर्लवाइन की इनकम होती है। अब ये फास्ट ट्रैक इनकम क्या है? फास्ट ट्रैक इनकम के बारे में अगर हम बात करें तो फास्ट ट्रैक इनकम यानी कि तेज़ी से होने वाली कमाई, ये MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग प्रिंसिपल पर काम करता है। अगर आपके डाउनलाइन का कोई यूज़र अपने आप को किसी भी लेवल में अपग्रेड करता है तो उससे जितना अपने आप को अपग्रेड करने में के लिए सिस्टम को पे किया, उसका 50% वैल्यू आपके अकाउंट में जुड़ता है। जैसे कि आपके डायरेक्ट डाउनलाइन में 30 DP पे करता है तो आपको 50% ऑफ 30 DP इक्वल टू 15 DP जो कि आपके अकाउंट पर्लवाइन के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है, मतलब क्रेडिट हो जाता है। तो यह है फास्ट ट्रैक इनकम। जब आप अपने अकाउंट को कोरल करते हैं, यानी कि $40 इन्वेस्ट करके आप अपने आप को कोरल में अपग्रेड करते हैं तो 40 का 50%, $20 आपके अपलाइन को मिलता है। जब आप अपने ग्रेड को ओनिक्स करते हैं तो $100 पे करना पड़ता है, तब $100 का 50%, $50 आपके अपलाइन को मिलता है। जब क्वार्ट्ज $1000 करते हैं इन्वेस्ट तो उसका 50% $500 आपके अपलाइन को डायरेक्ट मिलता है। जब आप अपने आप को एमिस्ट में करते हैं तो 5000 इन्वेस्ट करते हैं और 2500 आपके डायरेक्ट अपलाइन को मिल जाता है। जब आप टॉपाज में करते हैं तो 10000 को इन्वेस्ट करना पड़ता है तो उसका 50% $5000 आपके अपलाइन को मिलता है। तो ये है फास्ट ट्रैक इनकम। अब हम बात करते हैं नॉन वर्किंग के बारे में।
नॉन वर्किंग इनकम के बारे में। नॉन वर्किंग इनकम पर्ल वाइन का मिंट ग्रोथ इनकम है। मिंट परचेज इनकम है जो कि 2% मिलता है, मिंट सेल इनकम है जो कि 2% मिलता है। अगर सिस्टम में कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करता है तो मिंट का वैल्यू पड़ता है। मान लीजिए कि आज का मिंट वैल्यू $70 है, आपने एक मिंट खरीद लिया और उसे एक सप्ताह के लिए रखा। एक सप्ताह बाद मिंट का वैल्यू बढ़कर $80 हो जाता है जो कि आज के डेट में $83 है, तो आप इस मिंट को बेच देते हैं तो आपको 83 माइनस 70 इज़ इक्वल टू $13 और 80 माइनस 70 इज़ इक्वल टू $10, यानी कि एक मिनट पर आपको $10 का फ़ायदा होता है। अगर आप 10 मिनट खरीदे तो आपको 10 × 10 = $100 का फ़ायदा होता है। यह नॉन वर्किंग फ़ायदा, क्योंकि आप अपने नौकरी बिजनेस के साथ साथ इसे कुछ वक्त निकाल कर कर रहे हैं। अगर कोई यूज़र एडमिन से मिंट परचेज करता है तो उसके मिंट वैल्यू का 2% उसके स्पॉन्सर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, यानी कि डायरेक्ट अपलाइन, और 50% उसके सारे अपलाइन लेवल को मिलता है। जैसे कि डायरेक्ट स्पॉन्सर को मिलता है 2% और लेवल वन को मिलता है 2%, लेवल टू को मिलता है 1% और लेवल थ्री को मिलता है 0.5%, लेवल फोर को मिलता है 0.5% और 5 to 8 लेवल को मिलता है 0.25%, यानी कि 4% जो वैल्यू है रेवेन्यू, वो मिंट परचेज रेवेन्यू जो 4% है वो आपके टोटल अपलाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सिमिलरली मिंट जब सेल रेवेन्यू की बात करते हैं, जब कोई यूज़र मिंट सेल करता है तो उसका 2% वैल्यू अपलाइन के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है और उसका 50% ऑल अपलाइन मेंबर को मिलता है। सिमिलरली जैसे कि आपने परचेज के बारे में बात किया था, उसी तरह ये सेल में भी होता है। डायरेक्ट स्पॉन्सर को 2% और अप टू 8 लेवल अपलाइन, जो आपसे अप टू 8 लेवल अपलाइन है उसको ऐसे मिलता है, एक लेवल को 2% मिलता है, दूसरा लेवल को 1% मिलता है, तीसरा लेवल को 0.5% मिलता है, चौथा लेवल को 0.5% मिलता है और 5 to 8 लेवल को 0.5% मिलता है। अब हम बात करते हैं डिडक्शन का। सिस्टम का सेल वैल्यू का 12% सिस्टम डिडक्ट कर लेता है। कोई भी अगर यूज़र ना मिंट सेल करता है तो उसमें से सिस्टम 12% उससे डेबिट करता है, 4% उसमें से 4% जो है वो बांट देता है, टीम के बीच बांट देता है, और 2% जो है वो लॉस को मिनिमाइज करने में यूज़ करता है, यानी कि और 8% फिर से पीवी मिंट में जमा करता है। 12% डेबिट करेगा, 4% टीम में बांट देगा और 8% फिर से जमा कर देता है। अब हम को डिटेल बताएंगे कि कैसे सिस्टम अर्न करता है, कि पीवी में बेचने और खरीदने पर लाभ के बारे में हम बात करता हूँ। तो पर्ल वाइन इंटरनेशनल सिस्टम में पीवी मिंट सेल एंड परचेज टोटल इनकम प्रॉफिट यूज़र प्रॉफिट। पीवी मिंट परचेज सिस्टम चार्ज है 2%, पीवी मिंट सेल सिस्टम चार्ज है 12%, पीवी मिंट परचेज इनकम है 4%, पीवी मिंट सेल इनकम है 4%। तो पर्ल वाइन सिस्टम का टोटल चार्ज जो लगता है वो कितना है, 2% परचेज के लिए और 12% सेल के लिए, यानी कि पीवी मिंट सिस्टम टोटल जो चार्ज करता है
यूज़र को वह 2% प्लस 14% 2% प्लस 12% कर लो 14%। अब पीवी पर्ल वाइन सिस्टम का टोटल इनकम क्या होता है, 4% प्लस 4% 8%। पीवी मिंट परचेज इनकम 4%, पीवी मिंट सेल इनकम 4%, यानी कि 4 4 8%। तो पर्ल वाइन सिस्टम टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 14%, जो कि सिस्टम चार्ज माइनस 8% इजकल टू पर्ल वाइन सिस्टम में टोटल इनकम 4 + 4 = 8 हो गया, तो 14 - 8 = 6%। ये पर्ल वाइन सिस्टम टोटल 6% का प्रॉफिट करता है, ठीक है, जो कि जितना भी यूज़र उसमें पैसे जमा करते हैं उसमें से 6% जितना भी वैल्यू जमा होता है उसका 6% पर्ल वाइन सिस्टम का प्रॉफिट। अब पर्ल वाइन सिस्टम उस 6% को प्रॉफिट को अपने मिंट ग्रोथ में इस्तेमाल कर देता है, जिससे उसका मिंट का ग्रोथ होता है। तो इस तरीके से पर्ल वाइन सिस्टम पूरा काम करता है, और इसमें अपने यूज़र को भी प्रॉफिट देता है, खुद प्रॉफिट लेता है, और सिस्टम में ग्रोथ भी कराता है, जिससे ये सिक्योर हो जाता है कि सिस्टम कभी भी फेल नहीं होगा। अब हम बात करें, ये तो हमने फास्ट ट्रैक इनकम की बात कर ली, अब हम लोग बात करेंगे ऑटो पुल इनकम के बारे में। ये भी नॉन वर्किंग इनकम है, इसमें भी आपको जैसे कि डायरेक्ट इनकम करने के लिए आपको सिस्टम में काम करना पड़ता है, लोगों को जोड़ना पड़ता है, यही मेन वर्क है। इसके बाद आपको जो भी फायदा होता है वह नॉन वर्किंग फायदा है। ये सिस्टम खुद ब खुद आपके अकाउंट में देता है, उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो आपका यूज़र को जो जोड़ते हैं और वो यूज़र अपने नीचे जो यूज़र जोड़ता है, उसके नीचे का यूज़र जो अपने नीचे यूज़र जोड़ता है, और जो उससे अकाउंट एक्टिवेट होता है और उससे जो अकाउंट अपग्रेड होता है, उसी से सिस्टम को प्रॉफिट होता है, और उसी प्रॉफिट को लेकर सिस्टम पूरे एंटायर वर्ल्ड के जितने भी यूज़र है उसके बीच में उस सिस्टम को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है अपने आप डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसके चलते प्रत्येक पर्ल यूज़र को भी इसका लाभ मिलता है। इसका सबसे बड़ी बात है कि ये इसमें कमाए गए लाभ को अपने सेविंग या पर्सनल अकाउंट में विड्रॉ करने के लिए आपका ग्रेट कोरल होना चाहिए। एक लिमिटेशन है इसमें, जो हर एक यूज़र को ये जान लेना चाहिए कि ऑटो पूल इनकम देखने में बहुत बड़ी इनकम है, वो आती है, लेकिन एक लिमिटेशन है कि अगर आप पर्ल यूज़र के का ऑटो पूल इनकम लेना चाहते हैं तो आपके नीचे आपको 4 यूज़र को एक्टिवेट करना पड़ेगा और आपका ग्रेट कोरल होना चाहिए। पर्ल यूज़र के अकाउंट में तो आएगा, लेकिन आप उसे विड्रॉ नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपका ग्रेट कोरल ना हो। अब जब आपको कोरल का बेनिफिट लेना है, ऑटो पूल इनकम कोरल में, जब आप कोरल हो जाएंगे तो आपके डैशबोर्ड में पर्ल ऑटो पूल और कोरल ऑटो पूल दोनों शो करेगा। पर्ल ऑटो पूल में जितना इनकम आएगा वो आप विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आप उस समय कोरल यूज़र हैं। लेकिन जो कोरल अकाउंट में आएगा ऑटो पूल, कोरल ऑटो पूल में जो आएगा मनी, जो डॉलर आएगा, वो आप नहीं विड्रॉ कर सकते हैं जब तक कि आप अपने आप को अपग्रेड करके कोरल से ओनिक्स न कर लिए। ओनिक्स
नहीं कर लिए। जब आप अपने आप को ओनिक्स कर लेंगे तो आपके डाउन द लाइन सिक्स पर्ल आ जाएगा, सिक्स पर्ल एक्टिवेटेड रहेगा। जब ओनिक्स हो जाएंगे तब आप ओरल के अकाउंट में आए हुए ऑटो पुल को विड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह सिमिलरली जब आप ओनिक्स के ऑटो पुल में आए हुए बेनिफिट को तभी आप विड्रॉ कर सकते हैं जब आप क्वार्टर्स होते हैं अपने आप को लेवल फोर में नहीं किए होते। जब लेवल फोर में आए हुए यूज़र पर्ल ऑटो पुल इनकम को आप विड्रॉ करते हैं जब तक आगे आप एमिस्ट ना हो जाते हैं। एमिस्ट में आए हुए ऑटो पुल इनकम को आप विड्रॉ तभी कर पाएंगे जब आप टोपाज लेवल में नहीं रहेंगे। तो इसके शॉर्टकट में हम बताना चाह रहे हैं कि ऑटो पुल इनकम आएगा, शो करेगा, लेकिन आप उसको विड्रॉ नहीं करें। उसमें एक लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन आप अच्छी तरह से जान लें। यह बहुत कम वीडियो में मैंने देखा है कि उन्होंने लिमिटेशन को इतने बढ़िया से डिस्क्राइब किया है। तो मैं आपको क्लियर कट बता दे रहा हूँ कि वो पर्ल बाइन में मेहनत करना पड़ेगा, अकाउंट में यूज़र को जोड़ना पड़ेगा और एक्टिवेट करना, क्योंकि इनकम ऑफ सोर्स ऑफ दिस सिस्टम इज ओनली द एक्टिवेशन ऑफ यूज़र। यूज़र एक्टिवेट करता है अपने आप को, उससे पैसे उसमें डालते हैं, तब जाके वो सिस्टम की इनकम आती है, जो कि वो मैंने बताया कि 6% इनकम जो है सिस्टम का, और उसी से ये पूरा सिस्टम रन होता है। तो आई होप कि पूरी तरह क्लियर हुआ ऑटो पुल इनकम। देखिए, अगर आपका लेवल एक है तो ऑटो पुल अर्निंग पर यूज़र $0.1 मिलेगा। जब हम बात करते हैं कि आप कोरल हैं और आपको पर्ल का ऑटो पुल आएगा तो $0.1 प्रत्येक यूज़र पे आएगा लेवल वन में। लेवल टू थ्री फोर में आएंगे तो $1 प्रत्येक यूज़र है। मान लीजिए आप लेवल टू में हैं और आपके नीचे ये चार पर्ल तो ऑलरेडी है, तो आपके ऑटो पुल इनकम जो पर्ल में आएंगे वो $4 शो करेंगे, $4 आएंगे। और इस तरीके से वो बार बार ऑटो पुल अपना कैलकुलेट करके आपको देता रहेगा। वो लिमिटेशन नहीं है, वो जब तक लंबा समय तक चलता रहेगा तो जब भी कैलकुलेट होगा ऑटो पुल तो आपके अकाउंट में आएगा, वो लिमिटेशन नहीं। लेकिन एक बार में $1 आएगा, एक यूज़र के लिए $1 आएगा। उसी तरह 5, 6, 7, 8 अगर आपका ग्रेड है 5 से लेकर 8 तक, तो वो $0.5 पर यूज़र आएगा। तो इस तरीके से आपके अकाउंट में एक एक्युमुलेशन होता है, क्योंकि इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ यूज़र बिलो यू। मतलब जितना भी नंबर ऑफ यूज़र, जितना आपने चेन बड़ा करके रखा है उतना आपको बेनिफिट है। अगर आपका चेन छोटा है, आपके डाउन द लाइन एक्टिवेटेड मेंबर्स कम हैं, तो आपको सारा इनकम कम आएगा। बहुत सारे वीडियोस में दावा करता है कि 32 लाख पर्ल इनकम आएंगे ऑटो पुल में, आएंगे लेकिन कब, जब आपका 8 लेवल तक हो और आपके नीचे 4000 से कम लिमिट ज़्यादा मेंबर्स हों तब वो आएगा। श्योर है आएगा, लेकिन उसका एक लिमिटेशन है, उतना मेंबर्स होना चाहिए। अगर आपका पूरा डाउनलाइन काम किया और सारे मेंबर एक्टिव हैं तो आपके लेवल 8 होने पर टोटल इनकम आपको अप टू 32 लाख तक आ सकता है। ये एस्टिमेटेड वैल्यू की मैं बात करता हूँ, लेकिन ये मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ यूज़र आपके डाउन द लाइन कितने एक्टिवेट हैं, उसके हिसाब से उसका मल्टीपल आता है। आई होप कि आपको पूरी तरह से ये ऑटो पुल इनकम सिस्टम के बारे में भी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि टीम परफॉर्मेंस इनकम। ये भी एक नॉन वर्किंग इनकम है। टीम परफॉर्मेंस इनकम 1.25 इंटू नंबर ऑफ यूज़र्स, जितना भी यूज़र्स आपके अकाउंट में एक्टिवेटेड हैं उसका 1.25 का मल्टीपल आपके अकाउंट में आएगा, जो कि ये ऑटो पुल इनकम होगा, ये टीम परफॉर्मेंस इनकम होगा। तो मुझे आशा है कि आप पूरी तरीके से पर्ल वाइन सिस्टम को समझ गए हैं कि ये दोहरी इनकम कैसे है। दोहरी इनकम इसलिए है क्योंकि अपने काम के साथ आपने
मेन जो आपका काम है उसके प्रॉफिट के साथ साथ ये प्रॉफिट भी लेते हैं, इसीलिए हम इसे दोहरी इनकम कह सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस कमेंट में आप ज़रूर लिख कर बताएँ, और पर्ल वाइन सिस्टम में जो भी जुड़े हैं वो कमेंट करके बताएं कि आखिर पर्ल वाइन सिस्टम कैसा है, इससे क्या बेनिफिट है, इसमें फ्रॉड होता है कि नहीं होता है, इन सारे चीज़ों को लिख कर बताएं, ताकि जुड़ने वाले लोगों को ये विश्वास हो और वो जुड़ें और इस सिस्टम से लाभ कमाएं। जिन लोगों को जुड़ना है वो कृपया नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और उस पर दिए गए लिंक को क्लिक करें और इस पर्ल वाइन सिस्टम से जुड़ें, और साथ ही साथ मेरा मोबाइल नंबर वहाँ दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर भेजें, व्हाट्सएप नंबर भेजें, हम अपने पर्ल वाइन ग्रुप में आपके नंबर्स को ऐड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।